नमस्कार दोस्तों, स्टार 7 टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है यूपी से सोनभद्र की। जनपद सोनभद्र में एक बार फिर पुलिस प्रशासन की कामयाबी व सराहनीय कदम आया सामने। आपको बता दें कि सोनभद्र पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव द्वारा जनपद में खोए व गिरने वाले मोबाइल सेट के संबंध में कार्यवाही शुरू की गई तथा इसी संबंध में जनपद के पुलिस अधीक्षक ने मोबाइल सेट की बरामदगी हेतु क्षेत्राधिकारी अपराध राम आशीष यादव के निर्देशन में सर्विलांस सेल में मोबाइल रिकवरी सेल का गठन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में सर्विलांस शाखा द्वारा कठिन परिश्रम करते हुए 28 अदद मल्टीमीडिया सेटों को बरामद करने हेतु कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ा, जिससे सफलता हाथ लगी। बता दें कि इन मोबाइलों का कुल कीमत 3,50,000 बताया जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा मोबाइल स्वामियों को बुलाकर उन्हें सुपुर्द कर दिया गया। मोबाइल प्राप्त कर स्वामियों ने पुलिस प्रशासन का आभार प्रकट करते हुए सराहनीय कदम बताया। आपको बता दें कि इसमें ज्यादातर रेडमी, सैमसंग, वीवो मोबाइल शामिल हैं। सोनभद्र से शिव नरेश की रिपोर्ट। जानकारी है कि जो हमारे मोबाइल सेट हैं, अक्सर किसी हम लोग के हाथ से टूट जाते हैं या किसी जगह पर रह करके हम भूल जाते हैं, जिसके बाद मिसप्लेस होने के कारण से वो जो मालिक है उसके हाथ से चले जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं। इस तरह की एप्लीकेशन हमें प्राप्त होती रहती है समय समय पर। उन सभी एप्लीकेशनों को इकट्ठा करके उस मोबाइलों को बरामद करने के लिए एक मोबाइल रिकवरी सेल जनपद स्तर पर बनाया गया है, जिसमें सभी एप्लीकेशन आती हैं, फिर इनकी लोकेशन वगैरह के माध्यम से इनको बरामद करने की कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में आज 28 मोबाइल जो बरामद किए गए हैं उनको उनके जो मालिक हैं उनको दिया जा रहा है, और इसमें जो अन्य एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है उन पर काम हो रहा है। शीघ्र ही इस तरह की कार्रवाई हम समय समय पर करते रहेंगे, ताकि जिन लोगों से गलती से उनके फोन गए हैं या इधर उधर हो गए हैं उनको वापस मिल सके।